पे तो ऑथेंटिक बात कर रहा हूं, आपको आप सुनिए, आप रिपोर्ट सुनिए, मैं बता रहा हूं कहां से है। मैं अरे मैं बता रहा हूं, कह रहा हूं जो बयान गृह मंत्री ने लोकसभा में दिया, आप बताइए कहां से लेकर आए हैं। अरे मैं कह रहा हूं सुनिए ना, अरे तुरीन जी सुनिए ना, अब सुन लो, आपने पूछा कहां से लाए हो, मैं कह रहा हूं 14 जून 2024 के आज तक के वेबसाइट पे है, आप देखिए उनका उनका लिंक है, आप पढ़िए 14 जून 2024 आज तक, उस लिंक को पढ़ लो आप, और बल्कि यही आज तक में नहीं है, आपके रिपब्लिक भारत में भी मिल जाएगा, आपके जी न्यूज में। मैं पूछ रहा हूँ किसी को कोट कर रहे हैं, किसी और चैनल का कर रहे हैं, नहीं आप अपनी बात कोट कीजिए, आप अपने रिपोर्ट कोट जम्मू कश्मीर में डॉक्टर खान, आप अपने रिपोर्ट कोट कीजिए, अगर आपके पास फैक्ट्स है आप अपनी बात कीजिए, किसी चैनल का नाम, अनामिका जी मैं बस इतना अपने समाजवादी पार्टी के मित्र से इतना अनुरोध करूंगा कि अगर आज आपके शो पर ये प्रतिज्ञा ले ले कि आइंदा मोहित खान जैसे लोग को बचाने का काम नहीं करेंगे, तो शायद हो सकता है कि हमारा भी हृदय परिवर्तन हो, हम भी बुलडोजर एक्शन पर पुनर्विचार करें, लेकिन जब तक मोहित खान जैसे लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्राप्त होगा तब तक इस देश को बुलडोजर की आवश्यकता महसूस होगी। अश्विनी जी, इसके पहले जब भी जमीयत उलेमाए हिंद कोर्ट गया है, कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं और साफ कहा है, जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की, लीगल कंस्ट्रक्शन होगा तो कार्रवाई होगी, लेकिन जमीयत के वकील कोर्ट में यह दलील देते हैं कि प्रदेश में यानी उत्तर प्रदेश में पिक एंड चॉइस की तरह व्यवहार हो रहा है, क्या मतलब है इसका? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करते हैं और अवैध एनक्रोचमेंट पाते हैं और आपने न्यायिक प्रक्रिया का जो लोकल गवर्नेंस लॉज जो म्यूनिसिपल लॉज हैं उनका पालन किया है तो रिमूव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर आपने नहीं किया है, आपको नोटिस नहीं दिया है, उनको सुना नहीं है, तो ये अवैध है। देखिए, दो बातें बड़ी क्लियर है यहां पर, डेमोलिशन ऑफ अ हाउस एंड रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम पब्लिक लैंड, these two are both different thing. अगर घर का डिमोलिशन हो रहा है वो नहीं हो सकता है अगर वो सही तरीके से बना है, लेकिन एनक्रोचमेंट रिमूवल हो रहा है वो किसी भी समय हो सकता है अगर नोटिस दिया है। तीसरी सबसे बड़ी बात क्या है, पब्लिक अथॉरिटीज को सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है, एक नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने म्युनिसिपल कमेटी करनाल वर्सेस निर्मला देवी के केस में कहा कि एवरी स्ट्रीट विच इज अ पब्लिक स्ट्रीट वेस्ट इन द म्युनिसिपल कमेटी एंड इफ अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन इज मेड बाय एनक्रोचिंग ऑन इट द म्युनिसिपल कमेटी हैज अ पावर टू हैव द अनऑथराइज्ड एनक्रोचमेंट एंड कंस्ट्रक्शन रिमूव्ड। दूसरा कहा है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन ऑन पब्लिक लैंड इज अ मीनेस, इट नॉट टू बी टॉलरेटेड। तीसरा कहा है डेमोलिशन ऑफ अ हाउस रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट इफ देयर इज एन एनक्रोचमेंट दैट हैज टू बी डेमोलिश्ड। चौथा कहा है, आप जहांगीरपुरी के केस में भी आप देख लीजिए कि फॉर द पर्पज ऑफ फुलफिलिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दोज इनएक्टमेंट टू रेगुलेट द म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन द सिटीज टू मेक प्लान्ड एंड सिस्टमैटिक डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज रिमूवल हैज टू बी डन इफ इट इज अनऑथराइज्ड। अब ये बात ये जरूर है कि अगर लिंक उसका आ जाता है जब वो अपराध करता है उसी समय पता चलता है अरे इसने तो अपराध से अर्जित करके संपत्ति ये बनाई है तो उसको उसी समय डिमोलिश किया जाएगा। अगर मतलब आप ये कह रहे हैं कि सरकार मैं क्लियर कर लूं, मुमताज जी को भी, डॉक्टर खान को भी और वरुण जो को भी, कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं अश्विनी जी, सर आप ये कह रहे हैं कि सरकार एक्शन तभी लेती है जब ये पता चलता है कि अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्ति है, उसके बाद ही बुलडोजर कार्रवाई होती है और लेना चाहिए। हाँ। लेना चाहिए, अगर अवैध तरीके से है, पब्लिक एनक्रोचमेंट है, नक्शा पास करवा के नहीं बनवाया है, म्युनिसिपल लॉज का वायलेशन है, तो हाँ। नोटिस देकर, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यह है कि जो लोकल म्युनिसिपल लॉज हैं उनमें नोटिस देने की सुनवाई की प्रक्रिया निर्धारित है, वो प्रक्रिया करके रिमूवल एनक्रोचमेंट करने में कहीं कोई एतराज नहीं है, लेकिन फिर बड़े आदर के साथ बुलडोजर जस्टिस जैसा टर्म नहीं है, ये एक समझिए कि इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है बुलडोजर जस्टिस, देयर इज नो टर्म लाइक बुलडोजर जस्टिस इन द इंडियन लीगल ज्यूरिसप्रूडेंस। बिना किसी तरह की जांच के मुमताज जी कोई कार्रवाई नहीं होती है और होना भी चाहिए। नहीं बिल्कुल, ये हम नहीं कह रहे, आपने सुन लिया कौन? नहीं, मैंने हाँ। सब सुन लिया है हाँ। कि जांच होनी चाहिए, लेकिन क्या सरकार अगर वाकई ईमानदार है इसके लिए तो इस बात का इंतजार करेगी कि पहले क्राइम हो फिर जांच हो और उसके बाद कार्रवाई हो? अगर वाकई कोई इलीगल कर रहा है तो सरकार उससे पहले ही कार्रवाई करे ना, कि वो क्राइम का इंतजार करेगी कि कोई शख्स पहले क्राइम कर दे फिर हम जांच करेंगे और फिर कार्रवाई करेंगे? ये कौन सी सरकार है, ये कौन सा कानून है, ये कौन सा तरीका है?
दूसरी चीज आप जो कह रहे हैं 14 मरतबा अब तक मैडम सुनवाई हो चुकी है, 14 बार कोर्ट में, और अभी तक जवाब नहीं हुआ है। कल फिर 15वीं मरतबा ये सुनवाई होने जा रही है। सर जुलाई के महीने में जब सुनवाई हुई थी ना मुमताज जी, सरकार जवाब, सरकार को जवाब देना चाहिए ना। मैं जो है जवाब नहीं सरकार दे रही है, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूँ। पिछली बार जुलाई में जब सुनवाई हुई थी, अगस्त से पहले जुलाई के महीने में सुनवाई हुई थी, तो कोर्ट ने ये साफ कहा था कि अगर अवैध निर्माण है तो निगम या परिषद कार्यवाही करने के लिए। भाई वो तो हम भी मान रहे हैं मैडम, हम आप कह रहे हैं कि मामला अभी तक कोर्ट, आप ही कह रहे हैं कि इस पर अभी तक कह रहे हैं कि अभी तक कोई फैसला टिप्पणी नहीं की गई इस पर। मैं ये कह रहा हूँ कि ये तो सब मानते हैं कि जो इलीगल है कौन कह रहा है उसको लीगल करार दीजिए, नहीं जो गैर कानूनी हो गैर कानूनी रहेगा, लेकिन ये कि टारगेट किया जाना और ये कि साहब पूरा घर गिरा देना जिस तरीके से अभी शहजाद का गिराया गया मध्य प्रदेश में, अभी जिस तरह से अगर इलीगल तो बनने क्यों दिया गया बताइए ना, किसको टारगेट किया? अरे अभी बता तो रहा हूँ, मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में टारगेट किया गया। आप बताइए इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए खुद, और मोहम्मद जावेद थे वहां पे इलाहाबाद में, उनकी वाइफ का जावेद के नाम घर भी नहीं था, उनके वाइफ के घर को गिरा दिया गया। कैसे गिरा दिया गया, कैसे पता चल गया रातों रात इनको, सारी चीजें सारी जांच जो है 12 घंटे में हो जाती है। अगर इतना ही इनका तंत्र मजबूत है तो सारी चीजें पहले क्लियर क्यों नहीं कर लेते? भाई जो गैर कानूनी है सबको हटा दीजिए पहले ही सबको हटा दीजिए, लेकिन ये सब चूंकि मुसलमानों का नाम ले लिया जाएगा, कुछ जो है माफियाओं का नाम ले लिया जाएगा, तो इनके यहाँ जो क्राइम फैल रहा है उस पर पर्दा पड़ रहा है। वरुण पुरोहित जल्दी से बोलिए। और सुनिए मैडम एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, अगर इनके बुलेट और बुलडोजर में इतनी ताकत होती तो ये जो है उत्तर प्रदेश में हारते नहीं। और जो मोदी जी 240 पर सिमट गए वो 272 होते, वो तो 72 के पार होते। सच्चाई है आज एग्रीकल्चर भूमि होती है, सवाई चेक भूमि होती है, उसपे भी कब्जे करना है, माफिया लोग पट्टे काटने की कोशिश करते हैं तो उसको बुलडोज कर दिया जाता है। इसलिए बाबा का बुलडोजर शब्द भी गलत है, इलीगल है, मैं आपको बता रहा हूँ। राजनीतिक रूप से भी गलत है, सामाजिक रूप से भी गलत है। दूसरा ये नेता लोग जो है ये कॉलोनियां बस जाती है वोटों के खाते, उनको सरकार आती है उनको ऑथोराइज कर देते हैं, पट्टे जारी कर देते हैं, फिर कहा रहेगी जब नियति राजनीतिक नियति नहीं उसमें। तो इन भाई आपकी पार्टी बहुत ज्यादा शामिल है, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ पिछले 50 साल के कि कितने एनक्रोचमेंट कराए, फिर कितने पट्टे जारी करा दिए सरकार। मुझे बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, मुमताज रिजवी का जो सवाल है कि अगर सरकारी तंत्र इतना मजबूत है तो पहले क्यों नहीं जानकारी मिलती है कि ये इलीगल है? अगर 12 घंटे में पता चल जाता है वहां बुलडोजर कार्रवाई करनी है तो पहले क्यों नहीं पता चलता है? अनामिका जी सबको पता होता है, मैंने शुरुआत में कहा तुहिन सेना जी देखिए, अगर इनको अपने राज्यों में कर्नाटक में और तेलंगाना में क्रिमिनल्स और रेपिस्ट के विरुद्ध बुलडोजर एक्शन करना है, हम इसका सपोर्ट करेंगे। देखिए तमाम दलीलें हम मैंने सुना विपक्षी नेताओं का, उससे एक ही बात सिद्ध हो रहा है कि इनके मन में जो है क्रिमिनल्स के प्रति एक स्नेह है। जैसा कि अश्विनी जी ने कहा कि यदि सरकारें जो है राज्य सरकारें ये सुनिश्चित कर चुकी हैं कि लीगल तौर पर गिराया जाना गलत नहीं है, तो जो आज जो एक्शन 6 महीने बाद होता अगर हम आज कर रहे हैं हम उसको गलत नहीं मानते। देखिए आप क्रिमिनल्स के साथ आप इतना सहानुभूति